Welcome back to DNA Vlogs. So today I brought my Ertiga at Maruti Care Point. This is at Baner, if you guys know. So it is, by the way, called as Maruti Care Point earlier. I don't know right now. Main ko pooch lunga. And that's my Ertiga parked. I changed the oil at my village last year, 2021 mein shayad change hua tha. Shayad nahi, sure hi change hua tha woh tabhi. तभी ऑयल चेंज हुआ था, कैस्ट्रॉल मैग्नाटेक डाला था हमने विलेज के एक गैरेज में. दे हैड डन अ डिसेंट जॉब एंड टुडे आई हैव गॉट इट हियर टू चेक द कंप्लीट कार, यू नो, चेक्ड. आई मीन प्लस जो पीछे के व्हील्स है दोनों लॉक हो गए थे मैंने बारिश में. इसका वीडियो बनाया है, शायद इसके पहले आएगा या इसके बाद आ जाएगा वीडियो. तो व्हील्स पीछे के दोनों भी ब्रेक्स खोल के चेक करेंगे कि अंदर कितना गंदा है, क्या है, वो पूरा ओवरऑल करेंगे. By the way, that is included in their service by default. I asked them for a job. वो बोले उसी में हो जाएगा, सस्पेंशन चेक उसी में हो जाएगा. कूलेंट ड्रेन करवा रहा हूँ मैं, बिकॉज 5 साल हो गया वही कूलेंट चल रहा है. 20,000 हुए हैं, बट आई थॉट आई गेट इट चेंज. इट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग इन मारुति. सो वो चेंज करवा देंगे. ऑयल वो इंस्पेक्ट करेंगे, मैंने इंस्पेक्ट किया अभी. इट इज़ स्मूथ, इट इज़ नॉट कर्सी, बट थोड़ा सा ब्राउन हो गया, बट फिर भी इंस्पेक्ट करेंगे. ब्रेक ऑयल वगैरह इंस्पेक्ट करेंगे, सस्पेंशन के बुशेज ओवरऑल इंस्पेक्ट करेंगे. बाकी मेजर इशू तो कुछ कार में है नहीं, बट बारिश का मौसम है, बारिश जा नहीं रही अभी. इट्स अक्टूबर, स्टिल जा नहीं रही है. तो मैं बोला एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज आई नीड टू टेक इट टू मुंबई एंड देन बैक. एंड प्लस 1 साल हो गया है सर्विस करके, सो आई थॉट आई गेट इट प्रॉपरली चेक्ड फ्रॉम द सर्विस सेंटर. ओवरऑल एस्टिमेट राइट नाउ इज 5,000, बिकॉज ऑयल मैंने खुद का लाया है अगर हम चेंज करते हैं तो. Electricals are checked now. The car is getting lifted up to get a view of the bottom. Both front wheels, suspension, सब कुछ इधर all right है. मतलब bearing, bushing and सब कुछ, कुछ issue नहीं है ये side पे भी. Bushing, bushing भी ठीक है ना, play कुछ नहीं है. ये भी सब okay? This is the AC filter और इसमें आप देख सकते हैं there is quite a lot of dust. डर्ट, मिट्टी, क्या क्या अंदर यू नो फंसा हुआ है. दिस एयर फिल्टर लुक्स गुड दो. आई विल चेंज दिस टू स्क्रोल सून. मयूर, आई एम गेटिंग दिस फॉर यू, लेके आना मेरे लिए नया कूलेंट. तो आई आस्क्ड देम टू रिप्लेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया. एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्लग्स. फक इट्स क्वाइट हॉट. Let it cool down, then I'll pick it up. Brake oil looks good. Yeah. Oh, इसमें काला काला क्या है? We'll ask them to check. There's something black inside. अभी जब push कर रहा हूँ manually हाथ से, इधर आके अटक गया. It's getting stuck here. से घुमाया तो एक जगह पे जाके अटक रहा है. लॉट ऑफ डस्ट एंड डर्ट इनसाइड, काफी गंदगी है. ये मूव हो रहा है फ्रीली, मतलब ऐसे हो रहा है, बट इट इज नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस. जब इन्होंने मैन्युअली चेक किया तो आई थिंक ये पूरा पानी से भर गया रहेगा तभी. एंड ये कॉर्नर्स पे इधर इट इज टचिंग द एजेस, तो तभी इट माइट हैव गॉट स्टक. ओके, बारिश में गीला हो के रस्ट पकड़ के, एंड देन उसको जब मैंने टैप किया हैमर से, बिकॉज ऑफ दैट इट मस्ट हैव लूजन्ड, एंड फिर मैं गाड़ी चला पाया यहाँ तक. ये फ्रंट के लाइनर्स है, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं वैसे. सो आई गेस यूसेज हुआ नहीं है इसका ज़्यादा. उस साइड का चेक करते हैं. दिस इज़ द अदर साइड. इधर का भी उन्होंने बहुत लाइटली क्लीन कर दिया, ऊपर से सिर्फ डस्ट हटाया है. So even this liner is quite good, अच्छे condition में है. पीछे भी वो clean कर रहे हैं अभी. Liners चलेंगे ना काफ़ी अभी. और ये original लग रहा है कि कभी change किया हुआ रहेगा, पता चलता है ऐसा कुछ? Original ही है ना, first time वाला fitting. Rear drum too is getting cleaned. और जो पूरा rust marks है वो निकाल देंगे. You can't actually lube anything over here, या फिर कुछ grease भी नहीं कर सकते इसको, because यहाँ पर कुछ lube या grease डाला and वो pad पर slip होके आ गया, तो
पीछे के ब्रेक्स लगना बंद हो जाएंगे। सो जब आप ये खुलवाएं, यू नो, जब आपका ऐसा कुछ इशू हो जाए खुलवाएं, तो सिर्फ ये अंदर से डस्ट वगैरह सब क्लीन करवा लेना। देर शुड नॉट बी एनी यू नो डस्ट, मड वगैरह कुछ अटका हुआ नहीं रहना चाहिए, एंड दैट शुड प्रोबेबली सॉल्व योर प्रॉब्लम टिल नेक्स्ट टाइम, बिकॉज इसमें और कुछ ऑप्शन है नहीं। इसका डिस्टेंस, लोकेशन, ब्रेक्स का लोकेशन, आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं करना है, एवरी थिंग इज़ परफेक्ट एंड दिस पैड्स आर ऑल्सो क्वाइट ओरिजिनल, तो इसमें कुछ करना है नहीं। वैसे सब व्हील्स लग चुके हैं, रेयर साइड के लगा रहे हैं, एंड इतने में मैं जाके ये मैगजॉल का इंजन फ्लश लेके आया, बिकॉज ऑयल सही में काफ़ी बहुत काला निकला है। 4,500 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली चली है आफ्टर लास्ट ऑयल चेंज, एंड ऑयल एकदम काला हो गया, एंड आई डोंट वांट दैट डर्टी ऑयल इनसाइड दी। मतलब और कुछ इशू हो जाए उससे अच्छा निकाल ही देते हैं सब गंदगी, एंड देन आई पुट 15W50 अभी। ऑफकोर्स 15W50 इज़ नॉट द रिकमेंडेड ग्रेड, बट मेरी कार यूज़ नहीं होने वाली है, यही मुंबई पुणे मैक्स करेगी या फिर लोकल सिटी में चलेगी, सो फॉर दैट इट इज़ ऑल राइट। बट इफ़ यू डूइंग लॉट ऑफ हाई स्पीड रन्स और लॉट ऑफ हाईवे रन्स एंड सिटी में आपका डेली बहुत यूज़ होता है, तो यू स्टिक टू द MGO रिकमेंडेड ग्रेड, आई थिंक विच इज 5W30 या फिर 10W30, विच आई टेल यू इन सम। I've always put on all other my cars fully synthetic, even my desire that gets serviced at Sai Service, उसमें भी अभी fully synthetic oil डाला है, उसका बिल तो मेरा अभी 12,000 आया था। Next time I'll get the desire to get you know serviced here, और फिर से एक वीडियो भी करेंगे। फिलहाल ब्रेक्स आर गोइंग बैक। अच्छा, ल्यूबिंग भी कर दिया क्या अभी? ओके, कैलिपर ल्यूबिंग, पिन ल्यूबिंग ना, कैलिपर पिन ल्यूबिंग भी हो गई है, निकाल के दिख रहा है, सब क्लीन किया हुआ है। बाय द वे इज नितिन जो मेरी कार पे काम कर रहे हैं। एयर फिल्टर इन प्लेस, सॉरी मैं प्लग्स दिखा नहीं पाया, प्लग्स उन्होंने क्लीन कर लिए, जो मैंने उठाया था काफी गर्म था, बट मैं जब यू नो ये लाने गया इंजन ऑयल फ्लश, तब उन्होंने प्लग्स वगैरह पे बाकी काम कर लिया, ब्रेक्स पे बाकी काम कर लिया, तो वो मैं बता नहीं पाया आपको, बट प्लग्स वर गुड इनफ, तो सिर्फ क्लीन करके वापस लगा दिया। इंजन फ्लश इज़ गॉन इनसाइड, नाउ आई विल स्टार्ट एंड वार्म दी बाइक क्या कार, थोड़ी देर उसको रनिंग इन करेंगे और फिर गंदा ऑयल ड्रेन कर देंगे। व्हील पे रन कर रही है कार, सो एक 10 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट हो गए और 8 मिनट रुकेंगे, एंड देन वी विल ड्रेन। टैपेट्स का आवाज़ नॉर्मल है ना, ये ऐसा। हाउ डर्टी द कार इज। इंजन को ज़्यादा रेज नहीं करना है, आइडल RPM पे रखना है, सो राइट नाउ इट इज़ स्टेइंग एट द आइडल RPM विच इज़ 750 और समथिंग इन दिस मारुति अर्टिगा। स्टिल वेटिंग 3-4 मिनट्स मोर। फैन स्टार्टेड नाउ ऑलमोस्ट आफ्टर 15 मिनट बाद, सो इंजन लुक्स क्वाइट एफिशियंट, ऑयल लुक्ड गुड, आई मीन इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब इन साइड। लुक एट द कलर, कितना ब्राउन हो गया है 4,500 किलोमीटर में, क्वाइट ब्राउन। अभी ऑयल फिल्टर के पास से बाहर निकल रहा है बॉश ऑयल फिल्टर। ऑयल बोल्ट भी, ड्रेन बोल्ट भी चेंज कर दिया। इसको मैग्नेट वगैरह नहीं आता है कुछ? नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेट होता तो पकड़ लेता गंदगी। भाई यहाँ पे वाइट टेंट ने घर बना के रखा है, निकालते इसका घर। गेट अंडरबॉडी कोटिंग डन, न्यू इंजन ऑयल गोइंग इनसाइड। Adding with what precision. मैंने बहुत लोगों से सुना था कि मेंटेनेंस फ्री लेटेस्ट वाले बैटरीज भी यू नो उसको ये करते हैं, सल्फेट वगैरह डाल के सब ये करते हैं, तो ये बैटरी भी चेक हो रही है मेरी। पुरानी बैटरी मैंने कभी ऐसे चेक नहीं की थी, बहुत मार्जिनल टॉपअप है, लेकिन वो कर दे रहे हैं। मेजर वर्क कंप्लीट हो गया है थैंक्स टू नितिन,
अब नेक्स्ट वॉशिंग एंड देन घर चलेंगे। गाड़ी ऑलमोस्ट कितने मैं 10 बजे आया था, 2.5 घंटे में तो गाड़ी रेडी हो गई। अभी भाई किधर कुछ नहीं किया, सब आराम से ठीक से सब काम किया है। पहले लोअर बॉडी वॉश हो रही है, अंडरग्राउंड वॉश हो गया, अभी ऊपर से पहले कर रहे हैं आई गेस, देन दे विल टेक इट डाउन एंड देन अपर बॉडी एंड बोनेट भी क्लीन करवाऊंगा। इंजन बे नाउ गेटिंग ए वॉश, पूरा एयर मार लिया अंदर के कार के अंदर से, ऑल डस्ट वेस्ट सब निकाल दिया। एंड आई गेस 10-15 मिनट्स मोर एंड द कार शुड बी रेडी। ऑलरेडी चकाचक दिख रहा है अभी टॉप बॉडी, हिज नेम इज मिस्टर शिवा, ये कर रहे हैं गाड़ी वॉश ऊपर नीचे सब जगह प्रॉपर डिटेलिंग से हो रहा है। ऑलमोस्ट अभी 25 मिनट्स हो गए, वॉश हो ही रही है। इनके पास एक डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, 2 साल की अगर आप पैकेज लेते हो तो 600 रुपीज़ में वो पैकेज मिलता है, एंड देन यू गेट 25% ऑफ, 40% ऑफ, फ्री यू नो व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग ऑल दिस स्टफ। तो वो लेने के बाद मेरा फाइनल बिल हुआ 4120, उसमें ऑयल ऐड कर दो, मैंने खुद का लाया 3500, एंड वो हमने चेंज किया, इंजन फ्लश यूज़ किया विच वॉज अनदर 500, तो अप्रॉक्सीमेटली 8200 के आसपास मेरा एक्सपेंडिचर हुआ फॉर दिस होल कार सर्विस। वेर इज द सेम सर्विस फॉर माई स्विफ्ट कॉस्टेड मी अराउंड 12500, सब सेम काम डिज़ायर एंड साइज सर्विस, तो 2500 मेरे बच गए। एंड प्लस इनका काम काफ़ी डिटेल में। अब तक गाड़ी वॉश हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर नाउ, मतलब क्लीनिंग वगैरह भी पेंडिंग है बट अच्छे से हो रही है। कार इज़ फाइनली डन, वॉशिंग सर्विसिंग सब हो गया, एंड आई टेक इट होम नाउ। ट्रैफिक से निकल के बाहर रास्ते पे काफ़ी ट्रैफिक है वहाँ पे। एनीवेज बिल के फ़ोटोज़ वगैरह मैं ट्राई करूँगा किधर डाल दूँ ऊपर, सो आप लोग वो देख सकेंगे जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज, एंड यू कैन कंपेयर विथ योर सर्विस सेंटर्स एंड ऑल। ब्यूटिफुली डन, आई एम सो हैप्पी टुडे। सो गाइज, एंडिंग द ब्लॉग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, एंड सी यू इन अ न्यू वीडियो। If you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. Video pasand aa gaya ho to like kar dena, questions ho to comments mein puch sakte ho।